दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में हारने के बाद से भारतीय समर्थक काफी ज्यादा आक्रोश में हैं और हाल ही में श्रीलंका दौरा भी खेला जाना है, जिसके लिए टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी अब मांग उठ चुकी है कि श्रीलंका दौरे पर केएल राहुल और रोहित शर्मा को वापस बुलाया जाए। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या केएल राहुल को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में खिलाया जाना चाहिए था या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम ने आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका गंवा दिया, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी लोग भड़क गए थे और कहीं ना कहीं विराट कोहली की खराब कप्तानी को भी इसका दोष दिया जा रहा था, क्योंकि लोगों का मानना है कि विराट कोहली ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे महामुकाबले में केएल राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ी का चयन नहीं किया, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। लेकिन अब टीम मैनेजमेंट किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि जुलाई के महीने में भारतीय टीम को श्रीलंका का दौरा करना है और वहां पर 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। आपको बता दें कि इस दौरे का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया है, लेकिन BCCI किसी भी स्थिति में इस दौरे पर रिस्क नहीं लेना चाहता है और फैंस की मांग को देखते हुए जल्द ही केएल राहुल और रोहित शर्मा को श्रीलंका दौरे पर भेजने के लिए इंग्लैंड से वापस बुलाने की दरख्वास्त भी कर चुका है। आपको बता दें कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भी अक्टूबर और नवंबर के महीने में होना है, जिसके लिए श्रीलंका दौरा काफी ज्यादा अहम होगा और खिलाड़ियों की फॉर्म का इस दौरे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि BCCI को T20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम घोषित करनी है और इसी के चलते केएल राहुल और रोहित शर्मा को तुरंत वापस बुलाने की मांग की गई है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाजी की भूमिका आसानी से निभा सकते हैं, जबकि केएल राहुल और रोहित शर्मा श्रीलंका दौरे पर खेलते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जल्द ही दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना होंगे और भारत आने के बाद टीम के कैंप से जुड़ जाएंगे। श्रीलंका दौरे पर आने वाले खिलाड़ी फिलहाल अपना क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर चुके हैं और श्रीलंका के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और केएल राहुल के आ जाने से टीम में काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस टीम में कई युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं जो IPL में अपनी शानदार बल्लेबाजी दिखा चुके हैं और रोहित और शिखर धवन की जोड़ी एक बार फिर से श्रीलंका दौरे पर पारी की शुरुआत करती हुई नजर आएगी, जबकि 3 नंबर की भूमिका केएल राहुल बखूबी ढंग से निभाने में काबिलियत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल को क्या श्रीलंका दौरे पर होने वाले पहले ही मुकाबले में खिलाया जाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।